ये अच्छे दिन वाला जो वाक्य हमारे गले में लटका है, इसकी सच्चाई मैं आपको बताऊं। ये मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो एनआरआई की एक, ये मुझे मोदी जी ने बताई हुई कहानी है, ये पर हमारे पर ऐसी चिपक गई कि जो चिल्लाता वो पूछता हमको अच्छे दिन कब आएंगे। तो ये हमारे गले में लटकी हुई हड्डी है, अच्छे दिन कभी नहीं आते। क्योंकि अब ये भी मीडिया मेरे वाक्य का गलत अर्थ मत लगाए, हमारा देश ही जो है अतृप्त आत्माओं का महासागर है। जिसके पास साइकिल है उसको स्कूटर चाहिए, जिसके पास स्कूटर है उसको गाड़ी चाहिए, जिस पास गलत भी नहीं है ना वो गलत नहीं है, पर जो बंगला घोड़ा सब वो भी तो अतृप्त ही है। अरे अच्छे दिन किसी के लिए ये मानने पर होते हैं अच्छे दिन, नहीं तो वो, इसलिए अच्छे दिन का ये जो हमारे गले में लटका हुआ है, इसकी शुरुआत वो जो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई तब वहां के एनआरआई लोगों ने पूछा कि अच्छे दिन कब आएंगे, तब मनमोहन सिंह ने कहा कि भविष्य में अच्छे दिन आएंगे, वहां से ये शुरू हो गया। कहीं तो भी मोदी जी ने बोल दिया कि अच्छे दिन आएंगे और हमारे गले में लटक गया।